बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद चिकन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, मौसीकी रूह की गज़ा है और मॉर्निंग विद चिकन पे हम म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि हमारी ये जो पाक धरती है, इसने मौसीकी में के बहुत बड़े बड़े नामों को जन्म दिया है। हम बहुत ही खुशनसीब मुल्क हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और हमारे आर्टिस्ट को बार बार अक्रॉस द बॉर्डर बुलाया जाता था। एक वक्त ऐसा था जब इतना ज़्यादा इशू नहीं था ट्रैवलिंग का और अक्रॉस जाने का, तो हमारे आर्टिस्ट को बुलाया जाता था और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हो गई या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, बड़े बड़े शोज़ हैं, तो उनमें हमारे आर्टिस्ट को बुलाया जाता था कि वो आएँ, वो परफॉर्म करें, जजेस बने। अब वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी लेजेंड्स की बात करें तो उनको एक लम्हे के लिए भी हम भुला नहीं सकते। ऐसे ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा अमेजिंग और इनोवेटिव म्यूज़िक क्रिएट किया कि आज भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि पहले जैसा म्यूज़िक अब नहीं बनता, और ये बात सच है क्योंकि घर बैठे ही यंग बच्चे जो हैं वो खुद ही म्यूज़िक अपने कंप्यूटर पे बनाने की कोशिश करते हैं। चार पांच अल्फाज को एक साथ जोड़ जोड़ के खुद ही राइम रूइम करके गाने बना देते हैं। ना लिरिसिस्ट या पोइट का कोई कॉन्सेप्ट है, ना म्यूज़िक कंपोज़र का, ना म्यूज़िक डायरेक्टर का, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और इस बात का अफसोस भी बहुत होता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे उस वक्त के जो ग्रेट फोक आर्टिस्ट थे, वो क्या सोचते होंगे कि हमारे कल्चर को हो क्या गया है। और अल्टीमेटली कौमें तभी आगे बढ़ती हैं जब वो अपने कल्चर के करीब रहती हैं और अपने कल्चर को प्रमोट भी करती हैं। और हमारे कल्चर में म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक का बहुत मेजर अमल दखल रहा है। अगर हम बात करें ग्रेट आर्टिस्ट की, ग्रेट फोक सिंगर्स की, तो आलम लोहार हो गए, अनायत हुसैन भट्टी हो गए, पाली जट्टी हो गए, तुफैल नियाज़ी हो गए, फैज़ मोहम्मद बलोच हो गए, ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत, मतलब एक लेजेंड्स हैं जिनके बारे में आज भी सोचते हैं या बात करते हैं तो नज़रें झुक जाती हैं अदब में। आज ऐसे ही एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन आइए पहले शेफ़ मुनीरा से हेलो हाय कर लेते हैं, उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मुनीरा। आपको भी मौसीकी का बहुत शौक है, आई नो जब भी म्यूज़िक आप सुनते हो तो आपके चेहरे पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी एक्सप्रेशन और मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल, मैं मौसीकी को बहुत इंजॉय करती हूँ, और वही बात आ गई कि मौसीकी रूह की गज़ा है तो इसको मेरा हाल इंजॉय करना चाहिए। और जहाँ पर इतने लेजेंड्स हो वहाँ पर आप जब उनकी मौसीकी सुनते हैं तो वो कहते हैं ना, दिल को सुकून मिलता है और सरूर मिलता है, वो वाला साब हो जाता है। बिल्कुल, तो आज आपको पता है हम किसको ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं? मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं व्यूअर्स के साथ ही सुनूँ। बिल्कुल, तो आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को जिनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड आपको हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, और ट्रूली प्राइड ऑफ पाकिस्तान थे आप और आज भी हैं। शौकत अली साहब की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लेजेंड जो आज फिज़िकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने म्यूज़िक की वजह से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सबसे पहले हमने बुलाया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई सजाद अली को, जिनको वॉइस ऑफ फैसलाबाद के नाम से भी जाना जाता है। जी सजाद, ओवर टू यू। ना हो रुआ माया, ना हो वतनानुआ माया, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साड़ी रोल वे, वे आजा दिल जानिया, वे आजा दिल ना दुखा विच
रोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे तेरे नाल लाके वे माया वे तेरे नाल लाके वे तेनू पले पाके वे तेरे नाल लाके वे तेनू पले पाके लुटी मैं अनपो ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आज बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, शौकत अली साहब. और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं. एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे पोइट, एक ऐसे लिरिसिस्ट जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा गाने लिखे, 10,000 से ज़्यादा नाते और सूफियाना कलाम लिखे. इंडो पाक के तमाम बड़े आर्टिस्ट्स ने इनके कलाम पढ़े हैं, जिनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, शौकत अली ख़ान, आरिफ लोहार साहब, नसीबो लाल, जवाद अहमद, राहत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत से आर्टिस्ट शामिल हैं. और अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ के भी बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इनके कलाम को पढ़ा है. मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट लिविंग लेजेंड SM सादिक साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक सर. एक लेजेंड को लेजेंड ही ट्रिब्यूट पेश कर सकता है, इसलिए आज हमने स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि आपका तो एक बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यारा ताल्लुक था शौकत अली साहब के साथ. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे भाई थे और भाई होने के नाते ही मैं हाज़िर हुआ हूँ. आज मेरे ये ना पैर शुगर की प्रॉब्लम है मुझे, मैं चल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे जैसे ही बेटे ने बताया तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा. तो शौकत अली साहब से स्टार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने शायरी शुरू की स्कूल के ज़माने से. अच्छा, तो सीधे देखने नहीं, मैं मैंने कहा अच्छा, थीके, दो थीके, दो और बरखुरदार भी हाँ, हमारे हाँ, साथ हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते, बिकॉज आपसे बेहतर जो शौकत अली साहब की जर्नी है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो आपकी आंखों देखी और कानों सुनी बातें हैं. तो आइए मिलते हैं उनके दो बेटों से. एक बेटे जो हैं वो इस वक्त कैनेडा में हैं, तो हमने सोचा कि जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में प्रेजेंट है उनसे ज़रूर मुलाकात करें. हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान शौकत अली हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम भैया. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. एंड अमीर शौकत अली हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप दोनों को देखते हैं ना तो लगता है कि सर सामने बैठे हुए हैं. और आप लोग जब शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो आपको महसूस नहीं होता कभी कभी कि जैसे अब्बू का अक्स आ रहा है सामने? हमेशा ये महसूस करते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. एंड ही इज़ विद अस. टीवी पे देखे, अपना साया देखे, उसके अंदर साये में अपने बाल देखे, अपनी चाल देखे, ही इज़ ऑलवेज विद अस. ऐसे लोग जा ही नहीं सकते. वैसे ये फनकार तो वो थे ही, लेकिन वैसे तो इंसान वो बहुत बड़े थे. बेशक वो ये उन्हीं का सदका है कि आप जैसे लोगों में सादिक साहब आप नहीं भाई याद फरमा लेते हैं. ऐसे लोगों में बैठना नहीं नसीब होता, तो ये सारा क्रेडिट ता कयामत उन्हीं को ही जाता है. बेशक. अब्बू से कैसा ताल्लुक था इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, बट ऑफ कोर्स जब हमारे साथ सर आप हैं जी, आप हमें बिगिनिंग की जर्नी की तरफ लेके जाएं. हाँ जी, मैं 1960 में मेरी पैदाइश हुई और 13 साल की उम्र में मैं पहली सीढ़ी नुसरत फतेह अली खान की सीढ़ियों पर चढ़ा. वहाँ पर बैठ के मैंने दो कलाम लिखे. उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी, जदों का तुरस गई साढ़े नाल टोलना. एक उसमें और कलाम था, एवें बोलना बनेरे ते कावा, उसमें राहत छोटा सा बैठा हुआ है, वीडियो तो बाद में आया था.
लेकिन उस दौर में जब मुझे गीत लिखने की तरफ आया तो मैंने लिखे कि मेरे पास एक किताबत करने वाला बंदा होता था, बशीर तलत उसका नाम था, उस वक्त कंप्यूटर तो होते नहीं थे, तो मैं जितने गाने लिखता था वो मैं उनको कंपोज़ करवाता था। तो वहाँ पे मेरी कपड़े की पैकिंग की दुकान होती थी, मैंने कोई 20-25 गीत लिखे। ऊपर मैंने लिखा कि गीत एस एम सादक शौकत अली के नाम। अच्छा, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि शौकत अली साहब किधर रहते हैं, तो मैं माई दी झुग्गी वहाँ पे जो नज़ाकत अली है जो पीछे फौत हो गया, तो उसका एक बेटा है हसन सादक, उसका नाम शौकत अली था। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की होगी, तो मैं उसके घर लेके चला गया। वो बैठक में गा बजा रहे थे, तो उसने जी हाँ शौकत अली का घर यही है, वो गाने ले लिए। मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया, काम मेरा बहुत था, एक गत्ते की फैक्ट्री थी, 300-400 लोग उसमें काम करते थे। एक वक्त आया फिर मैं जब कोई 5-7 साल बाद या 8 साल बाद दोबारा मैं हिजरत करके जब लाहौर आया, तो वहाँ पे एक महमूद साहब होते थे जो रहमत ग्रामोफोन हाउस पे रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा। वो फौत हो गए, अल्लाह उनको भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। वहाँ पे अनायत अली साहब आते थे, इनके बड़े भाई, तो उनको मैंने ना तकरीबन को 300-400 गीत जो है ना वो किताबत करवा के ना तो एक पैकेट में डाल के तो मैंने दिया हुआ था महमूद साहब, क्योंकि फैसलाबाद से वो मेरे दोस्त थे जो रिकॉर्डिंग करते थे। तो जब कुछ दिनों बाद मैंने टीवी पे देखा तो शौकत अली साहब मेरा गाना गा रहे थे, सानू पता नहीं विछोड़ा किनू कहंदे, असी ते पहली बार विच, ये गालबन 85 की बात है, 1985। बाद में मैंने महमूद साहब से कहा कि यार ये गाने इधर मैंने आपको दिए थे, खुशी मुझे बहुत हुई। तो उसने कहा जी यहाँ पे अनायत अली साहब आते थे, तो वो ना उसमें से कुछ 50-60 गाने ले गए, जिनमें और भी बहुत गाने थे कि आप जड़े वसदे थे दूजे नू उजाड़ दे, इहो जिहा यार बंदा अग ला के साड़ दे, कागज की बेड़ी ते बह गया वल ना सिखिया तारी दा, इस दुनिया के सारे आशिक फट जिगर ते खांदे ने, एक मिट्टी की मूरत पिछे अपना आप गुआंदे ने, बेशुमार उसमें गाने थे मेरे जो शौकत अली साहब ने, कुछ उर्दू थे कुछ पंजाबी थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे घर बुलाया, तो मैं जब घर जाता था तो वो मैं इतनी तेजी से शेर कहता था, और वो भी बहुत तेजी से लिखते थे, जैसे आपने अभी बड़ी तेजी से शोर सुनाया मतलब याद करके, और इस नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ कि टाइम मखसूस होता है तो ज्यादा बातें हो जाएं तो अच्छी बात है, ताकि मैं तेजी से सुना दूं। तो वाक्य को मैंने 25-30 साल को क्लोज करके तो चंद मिनटों में आपके सामने अच्छा, तो आपने फिर उनके साथ अच्छा, उसके बाद फिर मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे घर बुला लेना, तो जेब मेरी पैसों से भर दे नहीं, उस वक्त हालात भी ख़राब थे, मैं बेगमकोट रहता था, तो बहुत ही शाकार गीत मैंने उनको लिख के दिए, जिनमें तकरीबन इस दुनिया के सारे आशिक फट जिगर ते खांदे ने। फिर जब पहली रिकॉर्डिंग शौकत अली साहब ने, ये भी मैनू क्रैडिट है कि जिन्नी उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग की है ना वो मैं की है ज़्यादा, किसी बंदे ने होर नहीं की, और रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते ही नहीं सन। लेकिन जो मेरे उन्होंने मुलाकात हुई तो मेरा उन्होंने एक तलक है, मैं उन्होंने अपने व्डे भाई का दर्जा देना, मैं कहना कि असी एक माँ के पेट चो दो बच्चे पैदा हुए हैं, शौकत अली तो एस एम साहब, इस तो उत्ते मेरे को अल्फाज कोई नहीं, उन्होंने भी बड़ा प्यार किया मेरे न। उस तो बाद जिसल वो मैं उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो उस दिन मैंने उन्होंने एक बड़ा यादगार वाक्य, उस वक्त जिस तरह असी हूँ रिकॉर्डिंग करने ना पंजाबी बोल सकना मैं कि नहीं सर आप ठीक है, जो जिस तरह हूँ रिकॉर्डिंग होंगी उदो उस तरह नहीं सी होंगी, उदो हर चीज़ अगर 50 म्यूजिशियन है तो 50 ने लाइव बजाना, तो एक एल्बम से चूड़ी नहीं है तेरी चूड़ी, उस वे अताउला का चलिया मुंदरी का थेवा, तो मैं चाहता सा कि इस टाइप का कोई असी बनाइए, फिर वो कैसेट माशाला बड़ा कामयाब होया, चूड़ी नहीं आए तेरी चूड़ी नहीं, आशकां दा खून चूस के लावे बुलियां ते सुरखी गूड़ी, छला नहीं हाय तेरा छला मुंदरी दा छला नहीं, मेरा कोई इलाज कर लै मैनू लग गए रोग वल्ला। अच्छा, उहदे विच बड़े खूबसूरत गीत सन। फिर शौकत अली साहब ने एक मैनू उहदे चो कागज़ की बेड़ी ते बह गए वल ना सिखिया तारी दा, साडी भुल ने डोबिया सानू दोष की इस विचारी दा, जान गवा के सज्जन लभदे लोग सियाणे कहिंदे ने, जे काबे नू जाना होवे पहले कर्ज उतारी दा, टुर चलिया छड़ के सानू परत के हुण तू आउणा नहीं, दे जा एक दीदार तू सजणा सानू जांदी वारी दा, ते बेकदरां नाल प्यार करन दी साथों वी भुल हो गई सी, सादक वांगू असी भी बन गए हासा दुनिया सारी दा। उहदे विच एक गाणा सी कि शौकत साहब कहिंदे ने कि ना तुसीं इंज करो कि
मैं तुहानू एक तरस देना, मैं क्या जी हुणे दिओ, मैं तुहानू हुणे जिहड़े लोग मेरे नाल काम कीता उह सारे जानदे ने कि मेरी स्पीड माशाला एक कुदरती है। मेरे च तो कोई ऐसा नहीं, ना मेरी इन्नी तालीम है कि मैं कुछ चार पाँच मिनट ला के एक बारह माह सन उहदी तरस इस तरह हुंदी सी, चेतर चार दिहाड़े सईयां खेडण गईयां, वो फिर मैं उहदे ते लिखिया सज्जण होए परदेसी आसा मर मुक गईयां, हाइयां दुखां दियां यारो साडे गल विच पईयां, जानी दूर वसेंदे ओ केड़ा दर्द वंडाए, पल्ले पै गए विछोड़े खुशियां कोल ना रहियां। मेरी रिक्वेस्ट है तुसीं इस प्रोग्राम च जरूर इस गाने नूं चलाना, भावें आडियो चला देना। और इस दे दौरान कोई 25-30 म्यूजिशियन सन साडे, बहुत अख्तर साहब बड़े नामवर म्यूजिशियन, इस कीबोर्ड नूं आजाद करन वाले ओह सन, उहनां दे वालद सादिक साहब अखां तों नवीने सन, इहदे विच बग साहब अकार्डियन वाले ताहो दे भाई, सारे नामवर लोग बैठे सन। और जिसले गाना रिकॉर्ड होया उसले टोटल गाने सॉरी टोटल म्यूजिशियन रो रहे सन टोटल। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, इधर से फौरन ही हम वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू इसी से हम बात को कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये म्यूजिशियंस रो क्यों रहे थे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। म्यूजिशियंस आखिर रो क्यों रहे थे, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट्स? जी सर, क्या हुआ ऐसा? ये एक तो सबसे पहले तो सुर का बड़ा असर होता है, राग का बड़ा असर होता है। कहते हैं दोपहर का राग हो तो दोपहर को असर करेगा, रात का राग हो तो रात को असर करेगा। वो ट्यून ऐसी थी और ऊपर से लफ्ज़ ऐसे थे कि वो बंदे की जान निकलती। बाज़ दफ़ा जब मैं हमसाया मुल्क में जाता था तो मैं जब ट्यून के बग़ैर शायरी सुनाता था तो कोई शायरी नहीं लेता था। जलंधर का वाक़या है कि मैं वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम आपसे गाने लेंगे, तो आपने लिखे हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान के या जैसे भी है फ़लाँ के आपने लिखे हैं, फ़लाँ के आपने लिखे हैं। तो वहाँ पे एक बत्रा फिल्म थी, एक फ़िल्म थी मेल करा दे रब्बा, उसमें मेरा जसबीर जस्सी का गाना था कि रब्बा मार के ज़रब विछोड़िया दी मेरे यार नू दूर आबाद कीता ही, तुम्हें आशिक सें कुछ तो सोचना सी कानू सादक दा घर बर्बाद कीता ही, तेरे घर आके रब्बा मंगियां दुआवां ने सिलियां ने अखां नाले होंटां उत्ते हावां ने, विछड़े मिला दे तेरा लगदा की जोर है तेरे हथ यार नू मिलाउण वाली डोर है। वो फिल्म बड़ी कामयाब भाई, उन्होंने कहा जी वो सादक साहब को बुलाए। जब मैं गया तो उन्होंने वहाँ पे कोई तकरीबन 1000-1200 लड़की काम करती थी, वो शेरों का काम भी करते थे साथ, नहीं जो शेर होते हैं, तो उसमें मैं उनको सुनाता रहा, कोई नहीं पेश चली। वो होटल में आ गए, ये उन दिनों की बात है जब जट जेम्स बॉन्ड फिल्म के गाने हो रहे थे, तो मैं इधर से स्पेशल उन्होंने मुझे बुलाया था, जिसमें आरफ लोहार के थे, राहत फ़तेह अली खान के थे, रोग प्यार दे दिलानू जिन्ना लाए वो कल्ले कल्ले बैन रात में, तो मैं फिर राग नाल सुनाने शुरू किए। उन्होंने एक उहदे च डोली सी, मैनू बाबलावे तेरे घरों टोर के गुड्डियां पटोले रोणगे, जंज वेख के गली दे विच मेरी वीर बारी ओले रोणगे। अब मैं गाने वाला नहीं हूँ, ना मेरी आवाज़ है, ना मुझे समझ है सुर क्या होता है, लेकिन इससे अंदर लड़कियाँ बैठी थी वो सारियाँ ही आ गई, इतना बड़ा कमरा था वो भर गया सारा, कि ये सुर का और साथ लफ्ज़ अच्छे मिल जाएँ तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। उधर चिकशेर सी कि तेरे करों जान लिया सोचा नहीं सी सोचियाँ, मैं जिन्ना वेड़िया च फेर दिसा पोचिया, जदों टुरांगी वीरां नू रोंदा छड़ के ए वेड़े गूंगे बोले रोणगे, गोटे दियां चुन्नियां ते निक्कियां परांदियां साधक मैं जांदी वारी जिन्ना विच सांभियां, मैं ओ जेड़िया संदूकां विच रखियां तू जदों भी ओ खोले रोणगे। क्या बात तो ये असर होता है राग का, और साथ पोएट्री अच्छी हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, तो इस वजह से ये असर करती है दिल पे। बिल्कुल सही। तो उस वक्त आपने कहा कि सारे के सारे जो म्यूजिशियंस थे सब थे वो रो पड़े। हाँ, रो पड़े। उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो वो उस वक्त माहौल का बेशुमार ऐसे गाने हैं, कोई एक गाने की बात नहीं कर रहा, काफ़ी ऐसे गाने हैं जिसमें लोग रो पड़ते हैं रिकॉर्डिंग होते वक्त। बिल्कुल। और शौकत अली साहब की आवाज़ भी कुछ ऐसी, उनकी एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसी। बिल्कुल। वैसे बच्चे से माँ बाप के बारे में पूछना
थोड़ी सी अनफेयर बात हो जाती है, क्योंकि कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ पे एंड करें, तो नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन क्या कहेंगे, आपका अबू के साथ अपना ही एक सेपरेट सा ताल्लुक था, आपका अपना एक यूनिक सा रिलेशनशिप था। मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ मेंटर, अ ग्रेट मेंटर, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि आप हम लोगों ने, मैंने अपनी ज़ात के बारे में कहूँगा कि मैंने उनको बतौर इंसान, बतौर फ़नकार, बतौर एक अजीम बाप, हर पहलू में बहुत अजीम पाया। और अनथक और बहुत ही गैरत वाले आदमी थे, बहुत मिटी हुई तबीयत के इंसान थे। अल्फाज ही नहीं हैं उनकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि आप यकीन जानिए कि हम तो उनके औलाद हैं ना, सारा दिन सारी रात बोलते रहेंगे तो बातें ख़त्म नहीं होंगी उनकी ज़ात के बारे में। लोग जो सिर्फ़ एक दफ़ा मिले हैं, आप यकीन जानिए कि दो दो घंटे वो बातें छेड़ते हैं और रुला देते हैं। एक मुलाकात ना भूलने वाली मुलाकात रही ऐसे ऐसे लोगों से जिन जिन से वो मिले, बस एक अल्लाह ताला का इंतहाई शफीक। अच्छा एक चीज़, मैं बाप से औलाद प्यार तो करती है सारी, हमने पहले भी शायद डिस्कस हुआ था कि हमने उनकी इबादत की है, बेशक इश्क तो किया है, इबादत की है अपने वालिद की। माँ बाप औलाद से जरूर प्यार करते हैं, औलाद को माँ बाप के साथ जो प्यार होता है बहुत आगे जाके एहसास होता है। आप लोगों का तो बचपन से ही एक वो वाला एलिमेंट था कि अच्छा फिर उनके उनके रंग में इस तरह रंग है कि मेरे ख्याल में इमरान शौकत अली, मोहसिन शौकत अली, अमीर शौकत अली, इनफैक्ट के आगे आने वाले जो बच्चे हैं दाने आल शबाद, हैदर इमरान, हम वो खुशनसीब हैं कि जिनको शौकत अली साहब एज अ सिंगर या एज अ इंसान के अलावा, हमें शौकत अली साहब की ज़िंदगी के जो 76 साल थे ना वो तक याद हैं। मतलब मेरे वालिद ने कौन सी कॉम्पोजिशन कौन से सन में बनाई, कौन सा गाना कौन से कमरे में बैठ के लिखा, तक याद है विद प्रूफ्स। फिर उसके बाद मैं अब्बा से कुछ सवाल ऐसे करता था कि वो बड़े मुस्कुराते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू था तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन करवाई, मैंने कहा आपको पता है कि आप पाकिस्तान के शायद वो पहले लेजेंड हैं जो लाहौर की पैदाइश है, ले शायद एंड ही वाज लाफिंग। मैंने कहा वाहिद आर्टिस्ट है लाहौर दा, तो पंजाबी सिंगर ही कोई नहीं। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी जब मैं चीजें प्रिपेयर कर रही थी ना तो मैंने नेचुरली ऊपर लिख दिया फैसलाबाद से, तो मुझे वातमा जो हमारे कंटेंट को देखते कहती है नहीं लाहौर में पैदा हुए हैं। मैंने कहा है, लाहौर तो शुरू होया, पूरी हिंदुस्तान चला गया, नहीं तो आलम लोहार साहब देख लो, तुफैल नियाज़ी साहब देख लो, जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो सारे आउटसाइड द लाहौर है, फैसलाबाद, मियांवाली, ये वाला चनियोट हो गया। फिर मैंने उन्हें कहना कि आपको ऐसी दुआ है कि कोई फोक सिंगर है जिसको कलामे इकबाल नसीब हुए जितने आपको हुए, सुभान अल्लाह, कोई ऐसा फोक आर्टिस्ट है जिसने फैज को गाया है, कोई ऐसा फोक आर्टिस्ट है जिसने गजल को, फोक आर्टिस्ट देखिए आर्टिस्ट ने गाया है बट फोक आर्टिस्ट, सो ही वाज टोटल डिफरेंट। अगर सैफुल मुल्क गाया तो अपना अंग, जब बहार आई तो गाए अपना अंग, जाग उठा है सारा वतन का, तो मैं उनकी शख्सियत का बड़ा आशिक था। मैंने कहा जी आर्टिस्ट तो आप इनोवेटिव बहुत थे ना, आप दूसरों के रंग में नहीं ढलते थे, आपने अपने ही रंग तक लिए, उनके इतने रंग हैं किस पे बात करें। और जिस शख्सियत को आपने सामने बिठाया हुआ है इनके सामने तो वैसे ही बात करना मुश्किल है, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी और ही अब्बा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इनके आशिक थे, इनकी शायरी के, इनके पहनावे के, इनकी शख्सियत के, इनसे बड़ा प्यार किया अब्बा ने। फिर हमसे जब कोई बंदा बात करता ना, कोई इंग्लैंड में, अमेरिका में, कैनेडा में, कि बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे वालिद ने जब 73 में आए तो उन्होंने ये किया, तो मैंने कहा उसके बाद हमने कहा उसके बाद उन्होंने ये किया, उनको लेके यूब साहब गए और फिर वहाँ पे वो ठहरे, मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात किस तरह हुई, किस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब उठे, कौन से होटल में थे, अरे वी नो शौकत अली साहब सो डीपली। तो इसलिए जब कोई ऐसे को क्लेम कर देता है ना बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमें पता है उनका, हमें पता है। बट आप खुश नसीब औलाद हैं कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर जो लेजेंड्स के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। अब आरिफ लोहार साहब वो जानते हैं अपने अब्बू के बारे में, उन्होंने रिसर्च किया है अपने पास, एक तो उन्होंने खुद उनको देख के रिसर्च किया, दूसरा लोगों के पास जा जा के बैठ बैठ के बाकायदा
उनको पढ़ा के जिस तरह इंसान किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान भाई आपसे कुछ सुनते हुए, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। Absolutely amazing. And what a beautiful song, sir. जी, तो हम बात कर रहे थे
अब्बू की और उनके काम के बारे में। तो सर ये बताइए कि कोई वाकया, कोई ऐसी यादगार मुलाकात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप हमारे साथ। बहुत सी मुलाकातें हैं कि एक ऐसा वाकया कि जसबीर जस्सी एक इंडिया का सिंगर था तो वो पाजी के पास आया, वो मेरे स्टूडियो स्कीम मोड़ पे, तो मैं उधर बैठा था तो शौक साहब उसको लेके आ गए। साध यार इतनों कुछ गाने चाहिए ने, वो आगे जिसले बैठे ने। नहीं आप ऐसे ही हैंडओवर कर देते थे उतने? नहीं नहीं नहीं, नहीं पैसे कीमती। पैसे लेने, मैं वही कह रही हूँ ना, ये भी तो क्लियर करें। पैसों के बगैर काम चलता है? आप ये बताएं, खुद ही बनाए काम चलता है पैसों के बगैर नहीं चलता? सर देखिए मैं एक बात बताऊँ, आजकल तो घर बैठ के बच्चे खुद ही चीजें लिख लेते हैं और अपने आप को पोएट बुला लेते हैं, तो ऐसा ये बात बताना जरूरी है। ऐसा ये दौर ना आए अल्लाह करे, आया तो ये जल्दी खत्म हो जाए। तो वो जब जसबीर जस्सी ने मुझे कहा जी आप, तो एक मेरा अंदर ऑफिस था एक बाहर था, हम बाहर बैठ गए तो मैंने उसको कोई 15 से 20 गाने उसको मैंने सिलेक्ट करवा दिए बैठे बैठे। हाँ ये 25-30 तो मैं अभी याद कर रहा था ये शौकत साहब के, तो मैंने उसको सिलेक्ट करवा दी। एक गीत उसमें मुझे याद आ गया कि दिल दियाँ दुखां दी दवा कितों लभीए, विछड़िया सजणा दे राह कितों लभीए, ते हुण उन्हां वेलियां दे रुख भी ना रहे ने, लगियां दे वेले दे गवाह कितों लभीए, ते जिन्हां डक्की रखियां सी साडियां मुसीबतां, जिसले मैं कहना लगियां दे दुखां दे गवाह कितों लभीए, ते शौकत साहब दियां अखां जथरू आ गए और रो बहुत जल्दी रो पैंदे सन जदों कोई उन्हां दे दिल ते गल लगदी सी। लगियां दे वेले दे गवाह कितों लभीए, ते जिन्हां डक्की रखियां सी साडियां मुसीबतां, उन्हां गोरे हत्थां दी दुआ कितों लभीए, ते मौत साडे सिर ते ते यार साडा आ गया, सादका हुदारे असी साह कितों लभीए। इस तरह दो चार गाने उन्होंने मैं होर दिते, एक यह भी गाना जिहड़ा पहले फिल्म च उन्होंने किया ना, यह भी मैं उदों ही दिता उन्होंने। तो शौकत साहब बाहर दूसरे दफ्तर च जाके ना, जिस तरह इतों उठ के अंदर जाके, तो मैनू कहिंदे ने सारा कुछ इन्हू ही दे देना है। अच्छा इन्नी देर च बदर मियाँ दाद साहब अल्लाह बख्शे उन्होंने वो पौड़ियाँ चढ़ के ना, तो वह आके मेरे अगे बैठ मैनू कहते साधक साहब तुसी मैनू ना कोई कलाम लिख के दियो जिहड़ा वो पहले मैनू मेरा काफ़ी प्यार मसी एक महल्ले दे सी, तो मैं उन्होंने हूँ जिस जस्सी तो मैं छड़ दिता उत्थे जिहड़े उन्हें गाने लैने से, मैं उन्होंने लिखता रहा नाल अपनी लैंग्वेज जिहड़ी इंडिया की होंगी गौरमुखी के की कहते हैं। हुण मैं बदर नूं पहला जन्म दिता कि चिट्ठियां दे विच हाड़े पाए, हंझुआं दे मैं लफ्ज़ बनाए, मुद्दतां होईयां आसां रखियां वह भी खत कोई पावेगा, हुण ते लगदा है वह बेदर्दी आखिरी वेले आवेगा। भाजी फिर रोन लग पै। अच्छा फिर बाहर निकल गए तो मैनू कहिंदे ये तो सारिया तो वधिया सौदा सी, ए भी इधर ही देता है। मैं कहा भाजी तुहानू इहनां नालों भी वधिया देंगे। खैर वो दो तीन आइटम बदर ने लिखे, वो बदर चला गया, जरा थोड़ा हैल्थी सी उहदी तबीयत, तो जल्दी उठ के गया, तो मैं कहा लो जी भाजी हुण तुहाडे लई वेखो की काम है। फिर कहिंदे ने कि होवे भी इहो ही खत दा जिक्र, तो फिर मैं उन्होंने लिख के दिता उत्थे कि परदेसी नाल प्यार ना पाउणा, दूर गया दा रोग ना लाउणा, ये परदेसी अपने वादे कदी भी तोड़ निभाउंदे नहीं, मौत दी चिट्ठी आ जांदी है इन्हां दे खत आउंदे नहीं। क्या बात है। ये फिर बहुत माशाल्लाह कामयाब होया एल्बम। हाँ जी बार भी उन्होंने किया। फिर मेरे को आरफ लोहार साहब आ गए जी, मैं भी इस तरह का कोई आइटम करना है। अच्छा उदो जनाजियां का बड़ा दौर सी, फिर मैं उन्होंने लिख के दिता चुप कर दो। शौकत अली साहब का मैनू कहते यार मैं भी कुछ करना है, तो मैं क्या उधर जब उसकी डोली घर से रुखसत हो रही होगी, इधर मेरे जनाजे पर ये दुनिया रो रही है। अच्छा जी फिर कहते ने कोई होर उर्दू, फिर मैं उन्होंने लिख के दिता जी। मैंने कुदरती याद आ गया इस गल, 25-30 साल मेरा ख्याल है तकरीबन हो चुके ने, कि मेरी आंखों में अशकों की सदा बारात होती है, तेरी यादों के मौसम में बहुत बरसात होती है। सच्ची सर? हाँ जी सच्ची सर, सच्ची तेरी यादों के मौसम। सर मैं यही तो चाह रही थी आपके। एक और सी के दर्दां दी जागीर संभाली फिरना वा, मैं उजड़ी तकदीर संभाली फिरना वा, तेनू मेरी शक्ल भी चेते नहीं होनी, मैं तेरी तस्वीर संभाली फिरना वा, ते मार के खंजर जेड़ी लीक तू खिचीए, मार के खंजर जेड़ी लीक तू खिचीए, समझ के तेरा चीर संभाली फिरना वा, और साधक अपने हाँ तू उजड़ेंगी, तू उजड़ेंगी, मैं भी अपनी बुकल विच
तू उजड़ेंगी मैं भी अपनी बुक्कल विच दिल वर्गा एक पीर संभाली फिरना वा ते साधक अपने हाथ दी डिंगियां लीकां विच रोंदी एक लकीर संभाली फिरना वा। अच्छा यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक मासूम सी खातून जिनका नाम है शेफ मुनीरा वो किचन में सूख सी गई हैं पिछले घंटे में। अच्छा। हम उनसे शायद देखते हैं कि ब्रेक के बाद उनका क्या हाल हुआ है ये काम करके, फिर वापस हमने अपनी बहुत शदीद जरूरी गुफ्तगू की तरफ खिलाएंगे भी सिर्फ किचन का ना ही मैं वो कह रहा कभी आज तक खादा कुछ नहीं। हाय चलिए ब्रेक के बाद देखते हैं कि कुछ खादे को भी खाने को भी मिलता है कि नहीं, खादे को मिलता है खाने को मिलता है कि नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है सारा काम तो मैं ही करती हूँ, बस मुनीरा को यहाँ पे मैं खड़ा कर देती हूँ बाद मजाक कर रही हूँ। जी शेफ मुनीरा आपने तो सारा कुछ कर लिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि आज की जो मेरी रेसिपी है वो बड़ी डिफरेंट सी है। आम तो मेरे कचनार गोश्त तो खाते हैं, खाली कचनार भी खाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम कचनार के साथ बिरयानी बनाते हैं बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ। कचनार का सीजन बहुत ऑर्डर से के लिए आता है लेकिन इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं बना रही हूँ कचनार बिरयानी। अच्छा इसका मैं ऑलरेडी डांटती है इसको बाय द वे ब्रेक में कि ये किस किस्म की अजीब सी डिश है, कचनार गोश्त होता है, हमने तो नहीं कभी सुना इस चीज़ का। वो इसलिए क्योंकि ये फ्यूजन है। अब फ्यूजन है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कचनार गोश्त के साथ रोटी तो खाते हैं लेकिन कुछ लोग राइस बहुत शौक से खाते हैं तो कचनार भी उनको पसंद है, तो मैंने उसकी वेरिएशन के साथ एक बनाई। और आपको मालूम है कि जैसे रमज़ान भी आ रहा है तो उसके पॉइंट से कि वेजिटेबल को आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसको आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं चाहें तो राइस के साथ। और जो सब्ज़ी जिस सीज़न में इन होती है उसके पीछे अल्लाह मियाँ की एक बहुत बड़ी रीजनिंग और लॉजिक होती है, वो उस वक्त की आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो जो सब्जियां और फल सीजन के होते हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो इसको अच्छा, बनाना कैसे? अच्छा अब मैं इसको बताने के लिए दो तीन टिप्स आपको दूंगी। आम तौर पर कचनार एक तो बहुत कड़वा पकता है, दूसरा बहुत टाइम इसका इसको रिक्वायर होता है। मैंने कचनार को उसको अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करने के बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब इसको चुगना है, जब इसको साफ़ करना है, इसकी डंडियाँ, इसके फ्लावर्स की हर चीज़ आपने सही तरह इसको साफ़ करना है। मोस्टली तो फ्लावर्स भी आप इसको पका लेते हैं। मैंने इसको बॉईल किया है, उबलते पानी में इसको मैंने डाला है, ब्लांच किया, ब्लांच करने के बाद इसको मैंने निकाली, फिर इसका मैंने मसाला बनाया। मसाला बनाने पर इसमें मैंने चिकन डाला है, आप चाहें तो उसमें गोश्त डालें, गोश्त डाल में कचनार उसमें मिक्स करके अब ये कचनार बन रही है। आपने इसमें लस्सी ऐड करनी है और दही ऐड करनी है जो कि मैंने इसमें इसको लस्सी और दही में बनाया ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। टमाटर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं टमाटर इसकी गार्निश में यूज़ करूँगी। और बाकी सेम वही प्रोसीजर है, इसमें नमक में नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया, ज़ीरा, आप मसाला देख सकते हैं और हल्का सा मैंने चाट मसाला भी डाला है। और राइस बॉयल्ड है, राइस बॉयल करने के बाद इसमें तेज़पत्ता, सूखा धनिया, ज़ीरा उसको बॉयल करके रख दिए और ये अभी हल्का सा इसके दम पे ही हैं और इसमें मैंने येलो कलर भी ऐड कर दिया। अभी ये कचनार बनेगी, अभी इसको टाइम लगेगा और इसको तब ये पक जाएगा बिल्कुल। इसको आपने मसाला खड़ा खड़ा रखना है, इसको पानी वाला नहीं रखना, फिर हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम बिरयानी से टॉस करके रायते के साथ एंड सैलड के साथ सर्व करेंगे। अच्छा बड़े शदीद जो ख़ानदानी खाने वाले लोग हैं उनके सामने ये जो आपने फ्यूजन बनाई है ना कचनार की, सारी मुझे इस तरह करके देख रहे हैं। तो इससे पहले कि अमीर मुझे मज़ीद और डर्टी लुक्स दे, मेरे ख्याल से अमीर की तरफ ही थ्रो कर देते हैं कि कुछ हमें सुनाते सुनाते ब्रेक में भेज दें। जी सर। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार कर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना अपनी झुकाए। उनकी महफिल में जब कोई जाए
सनम जो खुदा बन गए हैं, वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने इस जगह प्यार करना मना है। हमने की अर्ज ऐ बंदा परवर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। हमने की अर्ज ऐ बंदा परवर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। बात सुन के हमारी वो बोले, बात सुन के हमारी वो बोले, हमसे तकरार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने इस जगह प्यार करना मना है। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। सो गए हैं जो फुरकत के मारे, सो गए हैं जो फुरकत के मारे, उनको बेदार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने इस जगह प्यार करना मना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रॉयल वॉशिंग मशीन, जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल वॉशिंग मशीन एक एब्सोल्युटली फैबुलस वॉशिंग मशीन है। इसका लार्ज पल्सेटर, जिसका पावरफुल पल्सेटर जो है दाग को टोटली रिमूव कर देता है और आपके कपड़ों की मुकम्मल धुलाई कर देता है। रॉयल वॉशिंग मशीन का थ्री वे वाटरफॉल सिस्टम जो है वो डिटर्जेंट को भी अच्छे तरीके से कपड़ों से निकाल देता है और उसके साथ साथ मिनटों में आपके कपड़े चमका देता है। ये जो रगड़ने वाला ज़माना होता था कि बैठ के इंसान रगड़ रहा होता था कपड़े और उनको मार रहा होता था पत्थरों पे, वो ज़माना अब चला गया है। अब रॉयल वॉशिंग मशीन का जो सिंक लिड है, इसने आपकी सारी वॉशिंग नीड्स को कवर कर दिया है। इसका जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, 3D रोटेशन, बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई कर देता है। अब जैसे कि आप स्विचेस देख रहे हैं, इनके प्लग, इनके ये जो मतलब यूज़ करने का तरीका इतना आसान है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कितने मिनट का आपने वॉश करना है, कौन सा प्रोग्राम, हैवी वॉश करना है, ड्रेन करना है, नॉर्मल करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और ड्रायर कितनी देर आपने चलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हर चीज़ बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में आपके सामने अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आप इसके वेरियस डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं उसको देखें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि रॉयल की 6+1 years की वारंटी है। और आपको पता है, रॉयल फ़ैन का भी ये कहना है कि साथ ज़िंदगी भर का। स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेबल मोटर है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर है यानी कि बिजली कम इस्तेमाल होती है, डबल प्लास्टिक बॉडी है यानी कि रस्ट और जंग से आप सेव हो जाते हैं, जेट स्ट्रीम सिंक लिड है, वाटरफॉल है। और इसके साथ साथ अगर आपके कपड़े, अगर आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, तो अब आपको ठीक कराने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके घर आके, अगर आप वारंटी के अंदर है तो घर आके वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी ठीक कर दी जाती है। और आप ऑर्डर भी ऑनलाइन कर सकते हैं, www.royalfans.com पे जाके घर पे आपको आपकी वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी, उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा और कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको भी कवर कर देंगे, एंड वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। तो डेफिनेटली ट्राई रॉयल वॉशिंग मशीन और हमें भी अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आइए व्यूअर्स, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जब वाकयात की बात करते हैं तो दादा साहब, क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बहुत गुजारा, उनकी अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, जैसे अगर कोई शख्स उनसे मिलता था जिनको जानता था, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? पहली तो ये बात है कि वो 10,000 बंदे में भी अलग ही नज़र आते थे। उनका पहनावा, उनका चेहरा, माशाल्लाह, शख्सियत कुदरती तौर पर होती है बंदे, तो वो अपनी दुनिया में एक बेहतरीन पर्सनैलिटी थे, बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन भाई थे, बेहतरीन दोस्त थे और दर्द बांटने वाले थे। देखो, जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना, तो माजरत के साथ चाहे उस बंदे का किरदार ना भी अच्छा हो, तो हर बंदा यही कहेगा यार इस जैसा बंदा तो दोबारा आएगा नहीं, इस जैसा बंदा तो सदियों में पैदा होता है, इस जैसा बंदा। लेकिन मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, शौकत अली जैसा आर्टिस्ट इंसान शायद दुनिया में दोबारा ना आए। आप दोनों का कैसा ताल्लुक था? बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही। कभी इख्तलाफ़े राय हुई? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम एज अ फादर बात करें, आप लोगों के साथ उनकी रिलेशनशिप एज अ फादर, एज एन आर्टिस्ट तो ठीक है, आप लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप जानते थे कि अबू लेजेंड है, लेकिन एज अ फादर आपका रिलेशनशिप कैसा था और आपका कैसा था? क्योंकि हर बच्चे के साथ माँ बाप का ताल्लुक फ़र्क होता है। बहुत ही फ्रेंडली थे, मगर हमने उनकी इस शफकत का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और हमेशा अदब के दायरे में रहे। उन्होंने ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं वो इस तरह शेयर किए एक दोस्त बन के, और जो उनकी ज़िंदगी का एक खासा था सारी ज़िंदगी से, जो मैंने फ़ील किया कि ऐसा है कि 2:30 बज गए, 3 बज गए, गाड़ी नहीं चला सकते, नज़र कमज़ोर हो गई है, तो मुझे उन्होंने ऑर्डर लगाया कि मैंने फलां जगह जाना है, किसी शख्स के घर जाना है, तो मैंने कहा अबू जी सुबह चले चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म, चलते हैं। चले गए, जाके बेल दी, वो शख्स बाहर आया, उसने कहा अला जी आप इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं आना। उसको गले लगा के, उसका माथा चूम के, गर्दन से चूम के, उसकी जेब में लिफाफा डाल के कहते हैं बस मैं आऊँगा वापस। तो मैंने कहा अबू जी ये काम करना था तो सुबह भी तो आपका हुक्म हो सकता था, मैं सुबह भी ले जाता। तो उन्होंने मुझे कहा अक्सर कहा बेटा सुबह किसने देखी है, मुझे क्या पता सुबह होगी कि नहीं, मैं सुबह देख पाऊँगा कि नहीं। कि ज़िंदगी में नेकी का जो ख्याल तुम्हारे दिल में आए बेटा वो कर गुजरो, क्योंकि अगला लम्हा तुम्हें शैतान भटका देगा या दुनियादारी के कामों में तुम मशगूल हो जाओगे। ये उनकी अगली सांस हो या ना हो, नो गारंटी किस चीज़ की है? ही वाज वेरी ब्लेस्ड दरवेश इंसान थे। देखिए मैं वही बात छोटी सी अर्ज़ करूँगा कि जो औलाद को ऑब्वियसली वालिद का पता होता है, तो हमें तो वो तो हमारे अंदर अगली नस्ल तक इस तरह हैं कि हम अक्सर हंसते हैं, बैठे होते हैं तो सिर्फ अपा डिस्कस हो रहे होते हैं कि यार 1970 की बात है, हमारे पैदा होने से 15 साल पहले की बात है, तो दो कॉम्पोजिशन बनाइयाँ, माचिस से कॉम्पोजिशन बनाई, गए तसद्दुक साहब बैठे हुए हैं, ये है ये ये, मगर उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं ना वो भी हमारे, हमने तो रटा हुआ है उनको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब SSP रेंजर्स थे ज़ुल्फ़िकार अली भोला साहब, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पीछे उनकी लाइन आई है, रोक के उन्होंने माचिस की तीली से लिखे कामा उड कामा माँ जन्नत दा परछावा, किसी को नहीं पता पर हमें पता है। अब अगर कोई आगे मुझे बताएगा कि यार मैं शौकत साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं हंसूँगा। काम के बारे में ना बात करें, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। अब जिस तरह अंकल सादिक हैं, सादिक साहब जिस तरह ये जानते हैं हर कोई नहीं जानता बाखुदा, ये इसलिए नहीं कि, और उन्होंने इनसे जेन्युइनली बड़ा इश्क किया उनकी जिंदगी, सादिक साहब ही कहा आज तक सादिक नहीं किया, बड़े दिन से सामने बैठे सादिक साहब। अब मेरा वालिद जिनकी इज्जत इस तरह कर रहे हैं, मैं किस तरह उनके सामने ऊंची आवाज़। मैं आपको एक वाकया शेयर करूं, अभी आपने कहा तो मुझे फरमाते हैं कि यार G1 जौहर टाउन में तो मार्केट जाना है, पहले तो इमरान भाई से ही लव्ड हिम, इश्क किया है सभी बच्चों से, मुझे कहते हैं मार्केट जाना है तो चलो मेरे साथ। मैंने कहा मुझे बता दीजिए। खैर आई टुक हिम टू द मार्केट, मैंने गाड़ी पार्क की एंड ही सेड इंतज़ार करो। मैंने कहा कितने चले हो, बैठ ना अखबारों वाले के पास के, 10-15 मिनट वेट किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं मार्केट में अकेले, एंड ही केम बैक। मैंने कहा कितने गए सो, कोई नहीं काम से चलो। आप बिलीव कीजिए 4 दिन बाद, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, 4 दिन बाद मैं उनके फ़ोन है तो ऊपर एक मैसेज आया, तो मैंने ये देखा तो उसमें थैंक्स का था कि शौकत साहब अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ये आप क्यों कर देते हैं मुझे तो समझ नहीं आती।
दिस एंड दैट बट ही वाज दरवेश आदमी अल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान अल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए के वो लिखते भी थे। मैं जल्दी से बात को समेटता चला जाऊं कि उनके लिखे हुए कुछ गानों में रब्बा सोने उन कैद करा दे तेरा केड़ा मुल लगदा, उसमें एक उन्होंने शेर लिखा आखिरी जमाने में ना कि गीत किसे होर दा, गीत किसे होर दा तो कोई गा जाता है, जुत्ती किसे होर दी तो कोई पा जाता है, ऐसे सिंगरां नू अपनी पा दे तेरा केड़ा मुल लगदा। आज मेरे सामने बैठे हुए एसएम सादिक साहब, इनके लिखे हुए हज़ारों ऐसे गीत हैं जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मेरा है, मुझे हैरत होती है कि वो चार दहाइयों से लिख रहे हैं और गा रहे हैं। अली साहब का छल्ला विद 1400 गीत, हत्ता के सैफुल मलूक भी, एक हमारे यहाँ यहाँ DSP होती थी नीलमा सरवर, उसने लिखा था उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, और इनके वालद का जो छल्ला जो मेरा हाल 74-75 में मैंने खुद छोटा सा था जब मैं सुनता था, मेरे वालद साहब के पास एक रेडियो होता था, अनायत अली साहब का छल्ला और शौकत अली साहब का छल्ला दोनों भाइयों ने, मेरा ख्याल है शौकत साहब ने भी गाया है लेकिन पहले मैंने जो सुना है वो अनायत अली साहब ने गाया है, ठीक है, और उसके बाद बाबल मेरिया गुड्डियाँ, एक काला रिकॉर्ड बनया है 73-74 का, मैं याद पैंदा है उस तकर के मैं उसले बिल्कुल मेरी उम्र 12-13 साल की सी, 60 की मेरी पैदाइश है, तो उस रिकॉर्ड के उत्ते भी लिखा है कि बाबल मेरिया गुड्डियाँ जोड़े लिरिक्स ने वो इन्हों ने अनायत अली साहब के, लेकिन उस दो वर्जन ने वो एक जी बाबल मेरिया गुड्डियाँ अल्लाह दिता खाकी द जिस तरह के 27 एके अगे अंतरे अलग ने, जिस तरह असं कहने के चन कितना गुजारी आई रात वे मेरा, मैं सारी रात मैं तो सोचा सोचती ही रह गई है, साड़ी कदों सारी रात मैं तो सोचा सोचती ही रह गई, साड़ी कदों होवेगी मुलाकात, ये मैं हुणे ही कहा इनू मैं भी अपना कह सकना क्योंकि इनू कहिंदे ने तजमीन शायरी की जबान, किसी पुरानी चीज़ जिहड़ी है ना वो जदों बीबियां चरखा डाह के बहिंदियां सन त्रिंजणा उन्हूं कहिंदे सन कि सारियां बीबियां ने अज तो 100 साल 200 साल पहले, फिर एक जग्गा है जिहड़ा कि 300-350 साल पहले का एक किताब है पुरानी इंडिया च मैं देखी है, वो ये बोलियां इन्हां दी मलकीयत नहीं किसी की हो सकती कि मैं बोली कहीए उन्हें कहीए, तो एक साडा अज दा सिंगर है उन्हें IPO दे विच किताब रजिस्टर्ड कराती है, मीडिया से बहुत खबर चल रही सन पिछले दिनों ना अजे भी चल रही, तो वो मेरा तकरीबन 700 गाना नुसरत फतेह अली खान दे मेरे मैं रोवां तैनूं याद करके तुसीं भी सुनिया है, वो कहिंदा जी अच्छा, मैं बड़ी सिली बात, सादिक साहब का रिकॉर्ड तो पूरी कायनात में है, क्योंकि यही तो बात है ना हमारे लेजेंड्स के जो काम है आप जरूर उनको यूटिलाइज करें, लेकिन इजाजत ले लें अगर वो जिंदा हैं, और अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो कम से कम उनको ट्रिब्यूट के तौर पे क्रेडिट तो दीजिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, हमारे इस एनवायरनमेंट में। खैर यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इमरान भाई कि अगर कुछ सुना भी दें। जी जी बिस्मिल्लाह, हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे चूँकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से, करारदादे पाकिस्तान के हवाले से आज के दिन की मुनासबत से एक गीत जो मेरे वाले साहब का गाया हुआ है शौकत अली साहब का, मैं आपकी नज़र करूँगा जी अपने ऑर्केस्ट्रा से। सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, ए प्यारे लोगो सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, ए
मैंने किसी की तरफ कम ही देखा। हमने किसी की तरफ कम ही देखा, चमकाई खुद अपने हाथों की रेखा। प्यारा है हमको धरती का चेहरा, दुनिया के हर दिल रुबा से है प्यारे लोगों। सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, 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 वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी कचनार बिरयानी तैयार हो गई जी, है जी, बिल्कुल हो गई है, आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका, आई गारंटी कि इसका फ्लेवर भी होगा। इसकी गार्निश भी थोड़ी सी कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली लवली। तो ये भी तैयार हो गया। हमारे जो म्यूजिशंस हमारे साथ थे आज शो में, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे बहुत ही प्यारे मोहसिन भाई भी हमारे साथ हैं, राशिद भाई हमारे साथ थे, क्रिस्टोफर थे, खुरम थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स आपका भी सजाद फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद टू बी अ पार्ट ऑफ आर शो, और आज का जो हमारा स्पेशल ट्रिब्यूट था वो पेश करने के लिए। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू वैसे रैप अप तो हो ही नहीं सकती, और वो इसलिए रैप अप नहीं हो सकती क्योंकि एक ऐसे लेजेंड की बात कर रहे हैं जो इन हिमसेल्फ इतना बड़ा ख़जाना है। वो जो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, पॉसिबल नहीं है, बट सर आज की गुफ्तगू को क्लोज करते हुए आप क्या कहेंगे? मैं, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आ रहा है। एक फोक स्टूडियो होता था मजंग चुंगी में, रहमान चैम्बर, वहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं मशहूर, इब्रार अल हक, नुसरफ फतेह अली खान की टोटल रिकॉर्डिंग उधर होती थी। महमूद साहब उनका नाम था जी, तो पाजी की पहली रिकॉर्डिंग भी शौकत साहब की उधर ही हुई। रात के 3 बजे का टाइम था, तो साथ ही मैं चौक में मेरी रहायश थी, तो रिकॉर्डिंग भी मेरी थी। मैं कुछ 2-3 घंटे के लिए घर चला गया, तो साथ साथ कुछ गाने साथ लिखते थे रिकॉर्डिंग करते वक्त। उसी वक्त उन्होंने मुझे एक धुन दी, तो जब मैंने वो एक वो माहौल का असर, एक सुर का असर, एक वो लफ्ज़ों की जो बंदिश थी वो कमाल की थी। उस दिन भी माहौल इतना सोगवार हो गया इस गाने के दौरान, मुझे फौरन अभी मेरी उधर ही मैं चला गया हूँ ख्यालों में, तो वो मुझे उन्होंने एक ट्यून दी, तो उस पे मैंने ये लिखा कि नींदरा नू अखियां दे राह भुल गए, नींदरा नू अखियां दे राह भुल गए ने, मेरे नाल मेरे जगराते रुल गए ने, ते की मैनू देना है सहारा तेरी याद ने, की मैनू देना है सहारा तेरी याद ने, जदों भी ये आई मेरे हंजू डुल गए ने, ते मारदे ने ताने मैनू ना तेरा लैके, मारदे ने ताने मैनू ना तेरा लैके, निक्के निक्के बालां दे भी मूँह खुल गए ने। तो शौकत साहब टाइम मार के रोन लग पे, तो बड़ी मुश्किल नाल मैनू उन्होंने बड़ा प्यार किया, मैं उन्होंने जफ्फी पा रहे हैं। ते फिर अगल ए होर शेर काफ़ी सन कि साधक नू पुछ हुंदा से की विछोड़े दा, जिदे लिए दोज़खां दे बूहे खुल गए ने, एक एक गल तेरी लिखी मेरे दिल ते, एक एक गल तेरी लिखी मेरे दिल ते, तेनू किवें प्यार दे ज़माने भुल गए ने। इस तरह के काफ़ी 20-25 शेर सन। एक होर बड़ा गाना वो दौरान भी शौकत साहब बड़े ही रोए, वह सी कि माहिया दे गया है लम्मी, ए दी भी ट्यून और सुर दा असर जी जी। हाँ, माहिया दे आए
लम्मिया उड़ीका हाय रब्बा यसी की करिए। मैं को सोच के आया जी, क्या कहने नहीं बल्कि सादिक साहब ने भी ट्रिब्यूट दी है, मेरे मारे मैनू चंद रे शरीका, मेरे मारे मैनू चंद रे शरीका, हाय रब्बा यसी की करिए, ओ माया दे गए आए लम्मिया उड़ीका। अच्छा, ये गाने दो किस्म दे ने, एक मैं पहले रिकॉर्ड किया जेड़ा अज तक रिलीज नहीं होया, जिदे सी माइया कद दा निका जमाना जमा रिलीज नहीं होए, दो तीन केसट शौक साहब दे 30 गाने अजे तक रिलीज ही नहीं होए जेड़े मेरे लिखे सन। यस ट्रू, जेड़े रिकॉर्ड माइया दे ओदा एम अरशद ने म्यूजिक दिता सी, ए भी फोक स्टूडियो च रिकॉर्डिंग होई सी, एम अरशद म्यूजिक सी, माइया दे गया नहीं माइया कद दा निका जमाना हसे पिया, माइया कद दात्री नालों तिखा, दात्री नालों तिखा जमाना हसे पिया, एक सी एक पल विच हो जाए फिका। ये वाले जो गाने हैं ये कभी अब रिलीज नहीं करने हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो पार्टी ने लिए ना, जिस पार्टी को हमने दे दिए तो उन्होंने रिलीज ही नहीं किए, नहीं वो कंपनी बंद हो गई, वो थी एसआई केसेट वाले से, तो वो जो माल भर के देते थे लोगों के, एसआई का केसेट आता था जैसे सोना का केसेट आता था। अच्छा, इसमें एक और गाना मैं बड़ा ज़रूरी जिक्र करना चाहता हूँ उसका, ई एम आई कंपनी एक मार रोड पे होती थी, अब बंद हो चुकी, उसमें एक शौक साहब ने मुझे धुन दी, उस गाने पे भी यही माहौल हुआ कि उन्होंने सुनाया मुझे वो उस बेवफा दिखातर, उस बेवफा दिखातर मैं जिंदा ही मर गया, मैं जिंदगी दी जीती बाजी नू हर गया, उस बेवफा दिखा अंतरा की बात, तगमे मेरी वफा दे गैरां दे सीने लाए, गैरां दे सीने लाए, तगमे मेरी वफा दे, तगमे मेरी वफा दे, गैरां दे सीने लाए, गैरां दे सीने लाए, मैं ते गिला नहीं कीता ए दुख भी जर गया एक और गाना है जी, वक्त खत्म, थोड़ा रख लो वक्त। अच्छा चले, एक सी के कोल मेरे बैठा सी, ओए हाय हाय ओ किन्ना हर जाइए, हाय हाय जिन्नू साडे रोण दी आवाज भी ना आई है, हाय हाय लाचे दसिए कि असी किन्ना सोचा विच पए आ, असी ते शरीका अगे कख दे ना रहे आ, कल ओने गैर नाल मुंदरी बटाई है ते हंजवा दा तोहफा जांदी वार भी ना दित्ता है, तू सानू आखरी दीदार भी ना दित्ता है, कई बारी रूह दौड़ के तेरी गली में आई है। हाँ, मतलब शौकत अली साहब के बड़े लाजवाब होर बहुत गाने ने, हैप्पी की गल करिए ते फीता नहीं आए तेरा, फीता नहीं तेरा ये बरीक कुर्ता दस किस दर्जी ने सीता, सुंदरी ते मुंदरी दो भैणा, सुंदरी ते मुंदरी दो भैणा, अखियां मलक दिल खो लैना, एक तिखी तलवार एक चकचक चनार, जरा बच के ना कोल रहना, सुंदरी ते मुंदरी मेरी जिंदगी के चंद ही गाने हैं, कुछ 7-8 गाने हो गए जो हैप्पी मैंने लिखे हैं। आई एम सो सॉरी सर कि आपकी जिंदगी में इतना दुख है, इंशाल्लाह अगले गाने में आपसे खुश होंगे, अगले जन्म में इंशाल्लाह, अगले जन्म में, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया जी, सब याद कीता और सिर्फ याद कीता ते असी तुहाडे मशकूर हां, सिर्फ याद कीता, ये भी एक ताना था, ये मैं बाद में इनसे डिस्कस करूंगी शो के बाद। एंड खाने का वादा किया हुआ, खाने का वादा किया था, वो भी हम इनको खिलाएंगे, कचनार बिरयानी जिसपे उन्होंने काफी अपना तबसरा भी कर दिया ब्रेक में और अदरवाइज भी, लेकिन अब्बू की इंशाल्लाह बरसी है 2 अप्रैल को, व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 अप्रैल को जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अदरवाइज भी जब भी सोचें शौकत अली साहब के बारे में तो उनको अच्छे अल्फाज में याद कीजिए और उनके लिए दुआ जरूर कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, ए प्लस का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू में ये हमारा शो खत्म हो गया, बट थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड हमारी पूरी टीम का।
तो आज हमने ट्रिब्यूट पेश किया टू द ग्रेट शौकत अली। एक कोशिश की है ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को हम जैसे छोटे लोग क्या ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़। गानी।